लेकिन मुसन्नफ राइटर अदीब हैं। अच्छा जी। मैंने कल पूछा, मैंने कहा भाईजान सूरज और बीवी में क्या फर्क होता है, कहता दोनों को बंदा आंख भर के देख नहीं सकता। हाय हाय। वासी भाई ने पूछा, मैं कहा वासी भाई बीवी नू इंग्लिश की कहंदे आ? कहंदे दुनिया दी कोई भी जबान होवे बंदा बीवी नू कुछ नहीं कह सकदा। वैसे रुबानिया हुण आसानी ना साडे पखे साफ हो जाया करन के जेडी लंबी कुड़ी। अच्छा, हाइट ज्यादा है इनकी? माशाल्लाह हाइट ज्यादा है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10"? जबरदस्त। तो आपने कभी ट्राई किया पंखों का? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर तीनों पे ही कमाल करते हैं जब भी आते हैं, जनाब सलीम मिराज। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान आईपीपी पंजाब के सदर जनाब राणा नजीर अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है राणा साहब आप तशरीफ लाए हैं। बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ जी सलीम भाई के लिए क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। और हकीकत में सलीम भाई ये शेर नहीं है, ये मेरे दिल की बात। बहाने बहाने से हम तेरी बात किया करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात किया करते हैं, इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते होंगे जितनी बार हम आपको याद किया। हम रोकते हैं फिर भी वो चले जाते हैं, ओ माय गॉड, जब भी मिलते हैं उनको बड़ा समझाते हैं। मोहब्बत में लोगों की दाल कैसे गल जाती है, हमारे तो आलू भी कच्चे रह जाते हैं। राणा साहब सियासतदान आप हैं और सलीम भाई अदाकार आप हैं, कैसा लगता है अदाकारी में? अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल सियासतदान ज़्यादा बड़े अदाकार हैं। ये आपको अब लगना शुरू हुआ या कुछ पहले से आपको तस्वीर? नहीं, मुझे कोई 6-7-8 सालों से लगना शुरू। 6-7-8 सालों से लगता है? चलो उन्हें चेक कर लेने को, हम ऐसे उधर डायलॉग बोल के हो राणा साहब। सर इनके तो अपने डायलॉग हिट होते हैं। राणा साहब आप इनके इस तजिए से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम लोग आते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन आते हैं और रेटिंग अब उनकी आती है मुझे लगता है। नहीं नहीं पर आप लोगों की रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, मगर राणा साहब ने कहा कि फिर भी वो एग्री करते हैं। और राणा साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, 5 दफ़ा MNA रह चुके हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं। और राणा साहब मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रहा था कि 79 से पॉलिटिक्स का आगाज किया, जिसके दरमियान में आपने IJI देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखी, तो ये पीपल्स पार्टी वालों का क्या कसूर था कि जो आपने उनको चांस नहीं दिया? देखी का क्या मतलब? मतलब रहे सब पार्टियों में, रहे सिवाय पीपल्स पार्टी के और अभी PTI में, अभी IPP के अंदर। IPP अभी आई थी। ऐसा है कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो उस वक्त कोई सियासी जमात नहीं थी, कल्ले इलेक्शन लड़ते थे, कल्ले हार जाते, कल्ले जीत जाते। मार्शल लॉ लगा हुआ था भाई, तो गैर जमाती इलेक्शन, गैर जमाती इलेक्शन था 79 का भी, फिर मैं वाइस चेयरमैन हुआ, फिर 83 में दोबारा इलेक्शन हुआ बल्दियात का, उसमें मैं आधा टर्म चेयरमैन रहा, आधा टर्म वाइस चेयरमैन रहा, फिर 85 का इलेक्शन आया तो भी गैर जमाती था। अच्छा, कोई सियासी जमात नहीं थी, ठीक है, हर आदमी ने अल्लाह के कर्म से और अपने बल बोते पे जीतना था, ठीक है। 88 में वो भी गैर जमाती था क्योंकि IGI बनी, वो बहुत सारी जमातों का, जमातें थी बल्कि बहुत सारे ग्रुप कटे हुए थे कुछ ऐसी जमातें, ठीक है। और फिर मैंने 87 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, वो भी गैर जमाती था। वाह। जमात में तो हमने बनाई मुस्लिम लीग, पहले ही मुस्लिम लीग बनी थी जुनेजो, जी जी, 90 में, फिर 93 में भी जुनेजो रही, ठीक है। फिर जब 96 आया तो उसमें जुनेजो को अपने नून बना दिया, ठीक है, नून बना दिया, और उसके बाद नून का काफ बना दिया, काफ का आपने फिर नून बनाया, नून के बाद फिर उसको PTI बनाया, PTI के बाद अब IPP। मैं अर्ज करूँ कि कुछ लोग वो होते हैं जो सियासी जमात बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको सियासी जमात बनाती है, ठीक है। हम पे अल्लाह का फजल ऐसा कि हम सियासी जमातें बनाते हैं। आप सियासी जमातें बनाते हैं, लेकिन राणा साहब वो जड़ा उन्होंने सवाल पूछे पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गए, पैसे घट देंगे सब। ये आप जवाब दे दीजिए। मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पवा के देंगे सन। ये
हालात वाकयात की बात है। नहीं मगर अब ये हो चुकी सारी, तो अब क्या अगली बार पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा? नहीं, यही जमात है यही है अभी, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना। पाकिस्तान में जो मेरी सोच है, जी जी, मेरी सोच दो है। एक तो सोच है कि हम वहाँ रह सकते हैं जहाँ हमारी इज्जत हो, हम समझते हैं कि यहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, हम उससे खुदा हाफिज़ कह देते हैं। ठीक है। जब जैसे खान साहब के साथ हम आए, हमने पहले ही जब भी वजीर आजम था तो गुजरांवाला के लोग इकट्ठे थे, हमने कहा मैंने आपका आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं ना टिकट लेना ना, मैं 5 साल के लिए आया, मैं 5 साल पूरे करूँगा, इसके बाद नहीं रहना। दूसरी बात यह है कि मैं ज़हनी तौर पर इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि सियासत जो है ना मूर्सी नहीं होनी चाहिए, सियासत मौका मूर्सी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि अब सबको मौका मिलना चाहिए। पार्टी का सदर अब ये है, ठीक है, कल को इनका बेटा हो, परसों इनका पोता हो, परसों इसका पोता ना हो तो कोई और हो जाए। तो इसलिए ये जो जमात जिसका मैं पंजाब का भेजूँ, ये इंशाल्लाह ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान में हर आदमी को मौका देगी। इन्हीं जमात बनाई थे, आप कि जमात पढ़े जे? मैं वकील वकील हैं अल्लाह की कसम, जुड़िया जुगत कीतियाँ मजाक।